उस वीक पॉइंट को, आप उनके जीवन के उस मुश्किल को, उस कठिनाई के समय को, उस चैलेंज को, उस स्ट्रगल को, उस संकट को, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को इनके जीवन से दूर करें प्रभु, और इनकी सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, या फिर इस वीडियो में आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसे पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। जैसे समाचार उसके 25 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक धनी व्यक्ति जब परदेश जा रहा था तो उसने अपने दासों को अपने पास बुलाया और अपने दासों को उसने कुछ तोड़े दिए। एक को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए और तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसने कुछ रुपए अपने दासों को दिया और वो प्रदेश चला गया। कुछ समय बाद जब वो स्वामी अपने घर वापस लौटा तो उसने उन दासों को फिर से अपने पास बुलाया ये देखने के लिए कि इन दासों ने उन पैसों का, उन रुपयों का, उन तोड़ों का क्या किया। और जब उसने बुलाया तो जिसको उसने 5 तोड़े दिए थे उसने कहा, हे स्वामी, मैंने इन 5 तोड़ों को कहीं बिजनेस में लगाया और इससे मैंने 5 और कमाए हैं, यानी कि अब मेरे पास 10 तोड़े हैं। और इस बात को सुनकर वो स्वामी अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा। फिर उसने दूसरे को बुलाया जिसको 2 तोड़े दिए थे और फिर उसने भी कहा कि हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे और मैंने उनके 4 कर दिए हैं, अब मेरे पास 4 तोड़े हैं। इस बात से खुश होकर फिर स्वामी ने कहा कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर, सब वस्तुओं पर मैं तुझे अधिकारी ठहराऊंगा। फिर उसने तीसरे को बुलाया और जब तीसरे से पूछा जिसको उसने 1 तोड़ा दिया था और उससे उसने पूछा कि तूने उस तोड़े का क्या किया, तो उसने कहा, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू वहां से काटता है जहां तू बोता नहीं है, इसलिए मैंने तेरे उस तोड़े को जमीन में दफना दिया था, गाड़ दिया था, सुरक्षित रख दिया था और आज मैं वापस आया हूं वही 1 तोड़ा लेकर के, यह तेरा तोड़ा सुरक्षित है। इस बात से नाराज होकर स्वामी ने कहा कि हे निकम्मे दास, हे आलसी दास, तुझे चाहिए था कि तू कम से कम इस 1 तोड़े को बैंक वालों को दे देता, सरफों को दे देता, कम से कम मैं उसका ब्याज तो उनसे वापस लेता आज, परंतु तूने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने अपने और सेवकों को आज्ञा दी कि इससे ये तोड़ा भी ले लो जो इसके पास है और उसे दे दो जिसके पास 10 हैं, जिसके पास अधिक हैं, और वो तोड़ा उसे दे दिया गया, इस दास को कैद कर लिया गया। दोस्तों, इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमें सीखने को मिलता है कि जो कुछ दान वरदान जो कुछ काम आपको और मुझे, हम सबको सौंपा गया है, उसको हमें विश्वास योग्यता के साथ में करना है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे आपके पास 5 तोड़े हों, चाहे आपके पास 2 तोड़े हों, या फिर आपके पास 1 ही तोड़ा क्यों ना हो, परंतु फिर भी आपको विश्वास योग्य बना रहना है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई वरदान दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई आज्ञा दी हो, या फिर परमेश्वर ने आपको कोई टैलेंट दिया हो, और आपको क्या करना है, आपको इनको विश्वास योग्यता के साथ में इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका स्वामी, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको ये वरदान दिए हैं, जिसने आपको ये तोड़ा दिया है, जिसने आपको ये आज्ञा दी है, जिसने आपको ये काम दिया है, वो आपसे फिर वादा करता है। जब आप विश्वास योग्यता के साथ में उस काम को करते हैं तब परमेश्वर आपसे भी इसी प्रकार से वादा करता है कि हे मेरे विश्वास योग्यता,
दास तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे बहुत सी बातों पर अधिकारी ठहराऊंगा, बहुत सी वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा। और यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य बने रहे तो परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा, आपको बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में देखते हैं कि कई भाई बहन अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो इसका दोष परमेश्वर को देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो अपने जीवन में विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में चाहते हैं, तो आपको थोड़े में भी विश्वास योग्य होना पड़ेगा, आपको थोड़े में विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। अब चाहे कोई भी काम जो प्रभु की ओर से आपको दिया गया है, आपको उसमें विश्वास योग्य रहना है। कोई भी आज्ञा जो प्रभु ने आपको दी है उसमें आपको विश्वास योग्य बना रहना है। कोई भी जिम्मेदारी जो प्रभु ने आपको दी है उसमें आपको विश्वास योग्य बना रहना है। आप कोई भी काम इस समय कर रहे हो, आपको ये समझ कर करना है कि ये प्रभु ने मुझे दिया है और उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में आपको करना है। क्योंकि इस काम को ही देखकर, आपके इस काम को ही देखकर प्रभु आपको अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएगा। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जब यूसुफ को पोतीफर के घर में काम मिला तो उसने विश्वास योग्यता के साथ में किया। जब वो जेल में था तो उसने वहां भी विश्वास योग्यता के साथ में काम किया और क्या हुआ, प्रभु ने उसे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराया। सो दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे जब आप थोड़े में विश्वास योग्य बने रहेंगे। ये ना सोचें मेरे पास तो केवल एक ही तोड़ा है इसलिए मैं इसे दबा दूंगा, मैं इस टैलेंट को दबा दूंगा। नहीं, आपके पास जो है थोड़ा है लेकिन आपको उसे इस्तेमाल करना है, आपको उसे बढ़ाना है, आपको उसके लिए विश्वास योग्यता से काम को करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से काम करेंगे और आपको बहुत सी अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं रोज सुबह शाम अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रेयर सुनती हूँ और साथ में करती भी हूँ। और मुझे रोज सिर में दर्द रहता था और बुखार रहता था और मैंने अमृता सिस्टर को व्हाट्सअप किया था, प्रेयर करवाई थी मैंने व्हाट्सअप पे और कॉल पे प्रेयर कराई थी। उसके बाद से मेरा सिर दर्द बिल्कुल चला गया और बुखार भी चला गया। मैंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को यीशु मसीह पर बहुत भरोसा था और मैंने विश्वास से प्रार्थना करवाई। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यीशु मसीह बहुत अच्छे प्रभु है, उनके ऐसा प्रभु आज तक नहीं मिला ना कभी होगा कोई। मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और बहुत कुछ आपने सीखा है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवित जिंदा परमेश्वर, स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। हम घटे पिता और आप बढ़े परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्यारे प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता। हम आदर करते प्रभु, हम आपका सम्मान करते परमेश्वर। सच में आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है, वो करुणा प्रभु हम सब पर बनी है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबको परमेश्वर सुरक्षित रखा है, ये समय दिया है प्रभु कि इस समय में हम धन्यवादी हो सके, धन्यवाद के भेंटों को दे सके, आपकी महिमा कर सके, आपको आदर सम्मान दे सके। और धन्यवाद पिता तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए यीशु, जो आज की शाम में मेरे प्रभु हमारे मध्य है। धन्यवाद प्रभु तेरे लोग दुनिया की छोर से जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु, वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में है, उनके परिवारों के साथ, उनके बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ में आपकी उपस्थिति है प्रभु। और पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए तैयार है। होली स्पिरिट आप हमें इस प्रार्थना में एकाग्र मन देने के लिए और हमारे ध्यान को सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाने के लिए तैयार है। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमारे साथ में हैं। धन्यवाद करते प्रभु हर प्रकार की नेगेटिव बात, हर प्रकार के
डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता, तेरे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह तेरे सम्मुख प्रभु अपने आप को सरेंडर किया है, अपने आप को संपूर्ण मन से परमेश्वर तेरी ओर रखा है। परमेश्वर प्रभु आप उन्हें अपनी रूह से भरे और उनके जीवनों की समस्याओं को दूर करें। आज जो चिंता, परेशानी, समस्या, दुख, बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर वो आए हैं, यीशु मसीह आपसे दुआ है कि आप उनके जीवन में आज सल्यूशन को दें। मेरे प्रभु धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए, हाँ प्रभु उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु जो तूने आज की शाम में हमसे बातचीत किया है। धन्यवाद प्रभु उस बीज के लिए जो तूने हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर बोया है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु आज परमेश्वर जब ये वचन प्रभु तेरे लोगों ने सुना है तो ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, ये वचन में परमेश्वर जो वो सीखे हैं उसे अपने जीवन में लागू कर सके पिता। सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु एक स्वामी प्रभु जी अपने विश्वास योग्य दास को देखकर अति प्रसन्न होकर प्रभु उसे अपने आनंद में सहभागी और सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु आपके बेटे बेटियां भी प्रभु उस विश्वास योग्यता में चलने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह जो भी उनके अंदर परमेश्वर ने आपने स्किल दिया है, जो भी टैलेंट दिया है, जो भी परमेश्वर उन्हें एक तोड़ा दिया है, उसे इस्तेमाल करने में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें प्रभु। ये अपने हर एक काम के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे ताकि प्रभु जब तू उनके जीवन को देखे तो तू उन्हें फलवंत करे, अपने आनंद में सहभागी करे और सारी बातों में अधिकारी बनाए। जिस प्रकार यूसुफ को प्रभु तूने प्रभु अधिकारी बनाया परमेश्वर, वो हर काम में विश्वास योग्य निकला, उसी प्रकार प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जिसके अधिकार में कार्य करते हैं प्रभु, हर एक के लिए विश्वास योग्य बने रहे और प्रभु विश्वास योग्यता के लिए प्रभु ये सोच करके ये सारे कार्य प्रभु वो तेरे लिए कर रहे हैं विश्वास योग्यता के साथ में करने पाए ताकि प्रभु वो अपने जीवन में रिवॉर्ड प्रभु तेरी ओर से पा सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन भाई बहनों के जीवन में प्रभु बहुत ज़्यादा आलस है परमेश्वर पिता, जो बहुत आलसी है परमेश्वर, हर काम के प्रति आलस को दिखाते परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन कि इनके जीवनों से हर प्रकार का वो आलस जो दुष्ट की ओर से आता है प्रभु, जो प्रभु विश्वास योग्यता को, विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु उनके लाइफ को प्रभु गलत ट्रैक देता है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज हर प्रकार का आलस यीशु मसीह के नाम से तेरे बेटे बेटियों के जीवन से चला जाए। यदि प्रभु किसी काम को करने में आलस आता है या यदि हर प्रकार की टाल बराई वो करते हैं प्रभु, तो दुआ है परमेश्वर क्योंकि आपको ये नहीं भाता परमेश्वर कि हर कोई अपने जीवन में परमेश्वर आलसपन को दिखाए, परंतु प्रभु ये तुझे भाता है कि तेरे लोग विश्वास योग्यता के साथ में उस काम को करें जो कि तूने दिया है या फिर उन्हें सौंपा गया है परमेश्वर, उस काम को वो प्रभु आलस में प्रभु खराब न करे वरन विश्वास योग्यता के साथ में तुझे अपने सम्मुख उपस्थित जानकर उस काम को कर सके। मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, जो भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आलस के कारण प्रभु बहुत सारी बातों को खराब कर रहे प्रभु, अपने लाइफ को खराब कर रहे प्रभु, रिश्तों को खराब कर रहे प्रभु यीशु, उस आलस को आप उनके जीवन से दूर करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन विशेषकर प्रभु जी आज जितनी प्रार्थना विनतियाँ प्रभु आज की शाम में आई हैं, एक एक प्रार्थना विनती इस समय जो तेरे बेटे बेटे जिन प्रार्थना विनतियों को कह रहे हैं, जो बातें वो आज आपके सम्मुख रख रहे हैं, जिन समस्याओं को वो आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, उन प्रार्थना उन विनतियों के लिए हम प्रार्थना करते यीशु आपके पवित्र नाम से पिता से मांगते हैं कि आप उनके उस वीक पॉइंट को, आप उनके जीवन के उस मुश्किल को, उस कठिनाई के समय को, उस चैलेंज को, उस स्ट्रगल को, उस संकट को, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को इनके जीवन से दूर करें प्रभु और इनकी सहायता करें। इस समय जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं वो अपने शरीरों पे उस जगह पर हाथ रखें जहां भी आपको दर्द है, जहां भी आपके घाव है, जहां आपको बीमारी है। हालेलुया, मेरे प्रभु तूने कहा है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु प्रभु हमसे पहले तूने अपने हाथ को प्रभु उनके बीमारी के जगह पर रखा है, यीशु इसी समय तेरी सामर्थ्य उनके शरीर पर उतरे, उस अंग पर, उस दर्द की जगह पर, उस घाव की जगह पर, उस चोट की जगह पर प्रभु तेरा सामर्थ्य उतरे और प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ, चंगा किया हर एक चोट को, हर एक घाव को, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी आपने दूर कर दी प्रभु, आपने उन्हें चंगा किया प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आपने अपने लोगों को छूकर चंगा किया है। थैंक यू जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की रात में अच्छी नींद को हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु, आराम को उनके लिए मांगते हैं, चैन को, शांति को उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि दिन भर की बहुत सारी बातों को लेकर
मेरे लोग प्रभु प्रभु बेचैन रहते हैं प्रभु जी, व्याकुल रहते प्रभु, टेंशन में रहते प्रभु, परंतु प्रभु जब वो तेरी निकटता में आते तो तू अपनी शांति में उन्हें लेता है, तू अपने चैन में उन्हें लेता है प्रभु, क्योंकि विश्राम सिर्फ तेरी ओर है प्रभु। और पिता आज सब लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, उन्हें विश्राम दे कि वो निश्चिंत होकर सोए, हर एक नींद ना आने की समस्या, हर प्रकार के डर, हर प्रकार का गलत बातें यीशु के नाम से चली जाए और ये निश्चिंत होकर सोने पाए। धन्यवाद, नया दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। आज जितने भी प्रार्थना विनती प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आए हैं, यीशु के नाम से आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको इस संगति में बनाए रखा शुरू से लेकर अंत तक प्रभु। इस प्रार्थना में प्रभु हमें सहायता के पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हर एक की सुधि लिया प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु कि इस समय इनके जीवन में क्या समस्या, परंतु आपके सामने ये खुली किताब के समान इनका जीवन है प्रभु। आप कार्य करें पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।